टेक रिपोर्टर में मेरा आज आपका अपना रिपोर्टर आज आपके लिए बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट लेके आया हूँ दोस्तों। ये है पैनासोनिक का 2.4 गीगाहर्ट्ज़ का डिजिटल कॉर्डलेस फोन। जहाँ तक कॉर्डलेस फोन के पोजीशनिंग का सवाल है, समवेयर लाई करता है इन बिटवीन अ लैंडलाइन फोन एंड अ मोबाइल फोन। हम जानते हैं कि आजकल लैंडलाइन फोन का इस्तेमाल ऑलमोस्ट ना के बराबर है, बट जहां तक इस कॉर्डलेस फोन का सवाल है, ये ज्यादातर लोग अपने घर में एक इंटरनेट कनेक्शन के साथ एक एडिशनल जब लैंडलाइन कनेक्शन रखते हैं तब लेते हैं, या फिर जब आप किसी तरह की बड़ी बड़ी सोसाइटी या फ्लैट्स में रहते हैं वहां पे जो कॉर्डलेस फोन होते हैं इनवेरिएबली जो इंटरकॉम के लिए इस्तेमाल होते हैं वो इस तरीके के फोन होते हैं एंड दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूजफुल फोन। तो जहां तक इस पर्टिकुलर फोन का सवाल है, ये पैनासोनिक ने बनाया है और इसके साथ हमें एक पावर बैकअप भी अवेलेबल है इन केस यदि आपके घर में पावर चली जाती है तो फोन जो है वो डेड नहीं होगा बिकॉज इट नीड्स कॉन्स्टेंट पावर। और ये 12.4 गीगाहर्ट्ज़ पे चलने वाला फोन है जिसके साथ इसमें यदि आप देखें तो पावर बैकअप के लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। पैनासोनिक अपने आप को ग्लोबली नंबर वन वर्ल्ड की ब्रांड क्लेम करता है इन दिस पर्टिकुलर स्पेस और जो इसके फीचर्स हैं वो काफी अच्छे हैं। जैसे आप इसके अंदर 50 स्टेशंस फोन बुक एंड डायलर सेव करके रख सकते हैं। रात को एक पर्टिकुलर आवर्स में यदि आप देखें तो इसमें नाइट मोड है, आप उस टाइम इस फोन को डिसेबल भी कर सकते हैं ताकि किसी तरह की डिस्टर्बेंस ना हो। जहां तक इसके बॉक्स का सवाल है, कुछ इस तरीके की इसकी ओवरऑल बॉक्स की पैकिंग है। जहां तक इसके प्राइसिंग का सवाल है, यदि आप देखें तो इसका जो प्राइस है वो है 2,929 और जो ये इंडिया में है ये इम्पोर्ट किया गया है। तो चलिए हम इसको ओपन करते हैं और देखते हैं हम इसमें क्या क्या और किस तरह का प्रोडक्ट देखने को मिलता है। तो मैं इस प्रोडक्ट को यहाँ से ओपन करता हूँ। तो जब हम इसे ओपन करते हैं तो हमें इसके अंदर यहाँ पे क्लियर एक्सेसरीज की डिटेल मिलती है जहाँ पे लिखा हुआ है 1 टेलीफोन लाइन कॉर्ड, 1 AC अडाप्टर, बैटरीज एंड द फोन यूनिट इटसेल्फ जो आया है। चलिए हम इसको ओपन करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले ये हमारा फोन है, जो ये हमारा फोन है ये ब्लैक कलर का है और इसे यदि हम ओपन करें तो कुछ इस तरीके से काफी अच्छा शाइनी फिनिश है और पीछे की तरह हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे मैट फिनिश है और काफी अच्छा लुक ये इसको दे रहा है। ऊपर की तरफ इसके नंबर्स हैं, सामने की तरफ इसका स्क्रीन है, जो इसका स्क्रीन है वो ब्लैक एंड व्हाइट LED स्क्रीन है और यदि हम बैक पे देखें तो हमें यहाँ पे स्पीकर मिलता है और इधर बैटरीज के लिए हमें स्लॉट मिला है। चलिए हम इसको और डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे, पहले हम अनबॉक्सिंग अपनी कंटिन्यू करते हैं। तो यदि हम अपनी अनबॉक्सिंग फर्दर कंटिन्यू करते हैं हमें यहाँ पे 2 रिचार्जेबल सेल मिलते हैं पैनासोनिक के। हम यदि फिर अंदर देखें तो हमें कुछ एक मैनुअल और इसकी गाइड्स मिलती है। ये इसका ऑपरेटिंग मैनुअल और इसकी गाइड है, इसको भी मैं साइड में रखता हूँ। नेक्स्ट यदि हम इसमें देखें तो हमें इसके अंदर एक एडिशनल बैकअप पावर के लिए चार्जिंग यूनिट मिलती है जो यहाँ पे है। फिर इस चार्जिंग यूनिट के अंदर हमें 3 एक्स्ट्रा सेल मिलते हैं जो हम साइड में रखते हैं। हमें इसका जो फोन बेस है वो नेक्स्ट देखने को मिलता है यहाँ पे और इसका जो फोन बेस है वो भी ब्लैक कलर का है। तो ये देखिए कुछ इस तरीके से ये है 2.4 GHz डिजिटल गीगा रेंज, हम इन्हें भी साइड में रखते हैं। एंड फाइनली जो हमारा पावर अडैप्टर है वो हमें देखने को मिलता है, वो ये रहा कुछ इस तरीके से है और इसके अंदर हमें फोन के साथ कनेक्ट करने के लिए फोन कनेक्टर भी मिलता है। ये सारी चीजें इस
पैकिंग के अंदर मिलती है। ये जो प्रोडक्ट है मैंने फ्लिपकार्ट से परचेज किया है, आप चाहे तो इसे अमेजोन से भी परचेज कर सकते हैं। मैं इसकी रेंज आपसे शेयर करूंगा और बताऊंगा इसके फीचर्स किस किस तरह के हैं। तो सबसे पहले इसको यदि हम इंस्टॉल करें, इसको इंस्टॉल करने के लिए आपको अपना हेडसेट रिसीवर उठाना होगा और उसका बैटरी कंपार्टमेंट ओपन करिए और इसके बैटरी कंपार्टमेंट के अंदर आपको इन दोनों सेल्स को डाल देना है जो यहाँ पे इसके साथ हमें मिले हैं। ऑलमोस्ट रेडी है टू ऑपरेट, आप इसे पुश करके दोबारा से लॉक कर दीजिए। इसका बीपिंग साउंड बताता है कि यस ये ऑन हो चुका है। यहाँ से आप इसे ऑफ कर सकते हैं, पॉज का यदि आप बटन प्रेस करना चाहें तो यहाँ से कर सकते हैं। इधर से टॉक है, ये स्पीकर है और यहाँ पे आप देखें तो बाकी इसके न्यूमेरिक मोड है और नंबर है। यहाँ पे आप इसे फ्लैश कर सकते हैं यदि आप एक नया नंबर डायल करना चाहते हैं, और ये होल्ड का बटन है यदि आप किसी को होल्ड करके बात करना चाहते हैं 2 मिनट के लिए, तो वो है। तो जो इसका बेस यूनिट है, आप यदि इसका बेस यूनिट देखेंगे तो यहाँ पे हमें 2 अलग अलग तरह के स्लॉट मिलते हैं। ये एक लाइन इनपुट के लिए जो पे फोन की जो लाइन है उसका इनपुट होगा, और यदि आप दूसरा देखें तो जो इसका पावर स्लॉट है यहाँ पे इसका पावर जो इसका चार्जिंग कॉर्ड है वो यहाँ पे कुछ इस तरीके से फिट होगा। तो यहाँ पे आप इसे फिट करिए और यहाँ पे जो ये फोन की केबल है वो फिट होगी और आपका फोन इजी प्लग एंड प्ले डिवाइस है। अब आपके दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि ये चार्जिंग स्लॉट या ये जो चार्जिंग बैकअप है ये कैसे इसमें अटैच होगा। तो चलिए मैं ये भी दिखाता हूँ आपको, आप इसको निकाल लीजिए और आप इसे चाहें तो वॉल पे भी माउंट कर सकते हैं जिसके लिए इसमें एक अटैचमेंट दिया हुआ है। जब आप इस यूनिट को निकालेंगे तो यहाँ पे आप प्रेस करिए और कुछ इस तरीके से आप इसके चार्जिंग बैकअप यूनिट को ओपन कर लीजिए और इसकी जो तीनों सेल्स हैं वो यहाँ पे आएंगे। हमने तीनों सेल्स इसके अंदर डाल दिए हैं जो इसके चार्जिंग बैकअप में इस्तेमाल होने वाले हैं, और दिस एलईडी इंडिकेट्स कि अब इसमें पावर आ चुकी है और ये चार्जिंग के लिए रेडी है। और अब आप इसे प्रेस कर दीजिए तो ये लॉक हो गया है। ये ब्लिंकिंग से पता लग रहा है कि फिलहाल ये चार्जिंग रिक्वायर्ड है यहाँ पे। तो जो इसका ये पर्टिकुलर पॉइंट है ये आप यहाँ पे फोन की बेस यूनिट में लगा दीजिए कुछ इस तरीके से, और जो इसका पावर का चार्जिंग स्लॉट है वो यहाँ पे लगेगा। तो जो पावर है वो इस पर्टिकुलर यूनिट को चार्ज कर रही है और ये जो बैकअप यूनिट है ये आपकी बेस यूनिट को पावर प्रोवाइड कर रही है। तो कुछ इस तरीके से ये फोन ओवरऑल एक्टिव हो जाता है और आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जैसे ही मैंने इसको चार्जिंग यूनिट के साथ अटैच किया फोन की चार्जिंग भी स्टार्ट हो गई है बिकॉज इससे एडिशनल पावर और चार्ज मिल गया है। यदि मैं ये पावर सॉकेट पावर प्लग में लगा देता हूँ तो जो ये बीपिंग साउंड आप सुन रहे हैं ये भी चला जाएगा। तो चलिए मैं इसको अटैच करता हूँ और दिखाता हूँ इसकी सिग्नलिंग रेंज कैसी है और इसके क्या क्या फीचर। देखिए मेरा वर्क स्टेशन है और मैंने ये फोन कुछ इस तरीके से यहाँ पे इंस्टॉल कर दिया है। यहाँ पे फिलहाल मेरे पास एक लैंडलाइन फोन है और ये इंटरकॉम है। तो कुछ इस तरीके से जब ये फोन इंस्टॉल हो जाता है और चार्ज अप हो जाता है तो इस तरीके का आपको नजर आएगा। तो देखिए जैसे ही मैं इस फोन को उठाता हूँ इसकी जो इंटरनल लाइट है, स्क्रीन लाइट है, वो जल जाती है। शायद मैं आपको दिखा पाऊँ, हाँ जी ये देखिए ऑरेंज कलर में नजर आती है। तो ये ऑरेंज कलर में इसका स्क्रीन है और इसका जो डिस्प्ले है वो ब्लैक एंड व्हाइट डिस्प्ले है। ओवरऑल पैनासोनिक का ये हेडसेट कुछ इस तरीके से दिखने में नजर आता है। अब मैं आपको बता देता हूँ यदि मैं इसको दोबारा वापस रखता हूँ इस बेस स्टेशन पे तो जो इसकी लाइट है वो इंडिकेट करती है चार्जिंग की, और यदि ये फुल चार्ज है तो ये 30 सेकंड्स में ऑटो टर्न ऑफ हो जाता है कुछ इस तरीके से जैसे आपने देखा। चलिए मैं अब आपको इसके कुछ एक फीचर्स बताता हूँ इन डेप्थ एंड डिटेल कि आप इसको कैसे इस्तेमाल करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। तो मैं आपको इसका सबसे पहला फीचर बताना चाहूंगा जो है हेडसेट लोकेटर। जब भी आप इसे अपने घर में इस्तेमाल करते हैं हो सकता है आप इसका जो एक ऊपर वाला हेडसेट है ये कहीं आप उठा के रख दें या मिसप्लेस कर दें और आप उसे ढूंढना चाहें विद इन द बाउंड्रीज तो आप उसे कैसे ढूंढेंगे। आपका जो बेस सेट है जो ये है आप देखिए इसके बेस सेट को उठाइए और इसके लेफ्ट हैंड साइड में आपको नीचे की तरफ ये बटन नजर आएगा। जैसे ही आप इस बटन को प्रेस करेंगे एक बीप बजने लग जाएगी आपके हेडसेट पे जो आपको आइडेंटिफाई करेगा ये हेडसेट कहाँ पे है। ये कुछ इस तरीके से मैंने इसको प्रेस किया और इंडिकेटिंग बीप्स आने लगी। मैं जब इसे दोबारा प्रेस करूंगा तो ये इंडिकेटिंग बीप्स बंद हो जाएंगी। ये देखिए मैं दोबारा इसे प्रेस करके दिखाता हूँ। कुछ इस तरीके से आप इसे इंडिकेटिव बीप से ढूंढ सकते हैं और इसी इंडिकेटिव बीप से आप इसे प्रेस करके वंस यू हैव आइडेंटिफाइड कि हेडसेट कहाँ है आप इसे वापस अपनी जगह पे इंस्टॉल करके रख सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट फीचर है जो है हेडसेट लोकेटर, और ये बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर है स्पेसिफिकली जब आप इस फोन को कहीं रख के भूल जाएं। हेडसेट के अंदर डेट और टाइम फीड इन करना चाहूंगा क्योंकि आप यदि भी फिलहाल स्क्रीन पे देखें मैं थोड़ा और करीब से आपको दिखाता हूँ। ये देखिए तो इसके अंदर जो ये दिखा रहा है कि सेट डेट एंड टाइम
जो अभी तक इसमें नहीं सेट हुआ है। तो उसको सेट करने के लिए इसका प्रोसीजर बड़ा सिंपल है। आपको सबसे पहले मेनू का बटन प्रेस करना है, जो यहाँ पे सेंटर बटन है, आप इसे प्रेस करिए। उसके बाद आपको प्रेस करना है #101। जब आप इसे प्रेस करेंगे तो आपको इसके स्क्रीन पे नजर आएगा डेट एंड टाइम। और इस टाइम यदि आप देखें तो ये देखिए, डेट का जो पहला ऑप्शन है वो इंडिकेट कर रहा है 3 के ऊपर बार बार कि मैं इसे चेंज कर सकता हूं। तो मैं सबसे पहले आज की डेट इसमें फीड इन करता हूं, जो है 22nd December 2021। तो मैं इसकी डेट फीड इन कर चुका हूं। अब हम इसका टाइम सेट करेंगे। तो टाइम सेट करने के लिए देखिए, यहाँ पे मुझे फिलहाल जो मेरे यहाँ पे टाइम हुआ है 1:55 हुआ है, तो मैं कर रहा हूँ 01:55। और PM ऑलरेडी है, यदि आप चाहें तो यहाँ से इस बटन से आप इसका AM/PM चेंज कर सकते हैं। और इस बटन से देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है सेव, तो मैं इसके ऊपर सेव प्रेस करके इस टाइम को सेव कर देता हूँ। तो ये टाइम सेव हो चुका है और डेट एंड टाइम इसके अंदर फीड इन हो चुका है। हम इसको ऑफ करके देखते हैं। ये देखिए, इसके ऊपर टाइम लिखा गया है 1:55 PM। तो इसके अंदर बहुत अच्छे से टाइम फीड हो चुका है और डेट फीड हो चुकी है। अब हम बात करेंगे इसके अंदर कैसे आपको एक कॉल आंसर करनी है। आपको सिंपली हेडसेट उठाना है और टॉक का बटन दबाना है। आप चाहें तो स्पीकर का बटन दबा के इसमें स्पीकर पे भी बात कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे, यदि आप इसका स्पीकर का वॉल्यूम एडजस्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। अप एंड डाउन, ये देखिए यहाँ पे वॉल्यूम का, बड़े ध्यान से यदि आप देखें, जब कॉल चल रही हो तो आप अप और डाउन बटन से इसके वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। कुछ इस तरीके से आप इसके वॉल्यूम को मैनेज कर सकते हैं। अब सवाल आता है नेक्स्ट रीडायल का, यदि आप इस फोन पे रीडायल करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो आप देखिए, अगेन टॉप इंडिकेटर एंड बॉटम इंडिकेटर नेविगेटिंग बटन के थ्रू यदि मैं इसको प्रेस करता हूं तो आप लास्ट के कुछ डायल नंबर ये देखिए स्क्रीन पे देख सकते हैं। और जिस भी नंबर को आप डायल करना चाहें सेलेक्ट करिए और सिंपली आप उसे सेव कर सकते हैं या आप चाहें तो उस पर कॉल कर सकते हैं। तो ये कॉल टॉक चला गया है। नेक्स्ट फीचर है, इस फोन के ऊपर आप होल्ड कैसे कर सकते हैं जब कोई कॉल आ रही हो। तो जैसे ही कोई कॉल आए और आप इसे होल्ड करना चाहें तो ये जो होल्ड का बटन है आपको ट्वाइस प्रेस करना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। जब आप दो बार प्रेस करेंगे तो ये कॉल को होल्ड कर देगा। और जब आपको कॉल रिलीज करनी हो होल्ड से तो आप सिंपली टॉक का बटन दबाइए और वो रिलीज कर देगा कॉल को। तो मैं दोबारा बताता हूँ, आप जब डबल प्रेस करेंगे होल्ड को कुछ इस तरीके से ट्वाइस, तो वो होल्ड कर देगा कॉल को, और जब आप टॉक का बटन दबाएंगे तो वो रिलीज कर देगा। नेक्स्ट फीचर जो है वो इसके लॉक से रिलेटेड है। यूजुअली जो फोन है हम घर पे जो है वो लॉक नहीं करते हैं, बट हो सकता है ये फोन आप किसी ऑफिस में इस्तेमाल कर रहे हो या किसी ऐसी जगह इस्तेमाल कर रहे हो जहां पे आप चाहें कि इसका मिसयूज ना हो। तो उसके लिए आप इसका कैसे डायल पैड लॉक कर सकते हैं, चलिए मैं आपको बताता हूं। आपको फिर दोबारा से अपना फोन उठाना है और उसके डायल पैड के ऊपर मेन्यू बटन को प्रेस करना है। उसके बाद आप हैश बटन प्रेस करिए और 251। जब आप इसे प्रेस कर देंगे तो ये आपसे इमीडिएटली पूछेगा कि एंटर द पासवर्ड। आप इसके अंदर पासवर्ड एंटर करिए, जो भी वो पासवर्ड हो जो आप इसके अंदर एंटर करना चाहें, ऑफ योर ओन चॉइस, इट शुड बी ऑफ 4 digit। तो आप 4 digit का इसमें पासवर्ड एंटर करता हूं। मैं एक सिंपल पासवर्ड एंटर करता हूं, 1234। तो ये मैंने पासवर्ड एंटर कर दिया है। उसके बाद मैं इसे सेव कर देता हूं। उसके बाद ये पूछा है मुझे टर्न द डायल लॉक ऑन, और मैं कहता हूं यस, और मैंने फिलहाल इसके अंदर डायल लॉक लगा दिया है। और ये देखिए कंफर्म आ गया है, डायल लॉक इज ऑन। तो इस तरीके से मैंने इसका डायल लॉक लगा दिया है। अभी मैं इसका डायल लॉक ऑफ करना चाहता हूं तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। तो आप दोबारा से जाइए, मेन्यू बटन को प्रेस करिए और उसके बाद सिंपल हैश को प्रेस करिए एंड आपका जो कोड है वो है 251, उसे आप प्रेस करिए और ये पूछेगा एंटर द पासवर्ड 1234। अब ये पूछ रहा है टर्न द डायल लॉक ऑफ, मैं कह रहा हूं यस, और ये जो आपका डायल लॉक है वो ऑफ हो चुका है फिलहाल। तो कुछ इस तरीके से जो डायल लॉक है आप उसे ऑफ कर सकते हैं और टर्न ऑन कर सकते हैं। उसके लिए कोड है मेन्यू #251। नेक्स्ट जो फीचर है वो इसके फोन बुक के रिलेटेड। यदि आप इसके फोन बुक में किसी भी तरह का फोन सेव करके रखना चाहते हैं तो आप फोन बुक के ऊपर जाइए और ये आपसे पूछेगा ऐड। तो आप यदि ऐड एंट्री करना चाहते हैं तो जाइए एंट्री के ऊपर और जो भी नाम है वो आप लिखिए। जैसे मैं लिख रहा हूं इसके अंदर अपने घर का, तो मैं लिखता हूं होम एज द चॉइस HOME। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने टाइप कर दिया होम। आप जाइए नेक्स्ट के ऊपर, एंटर द फोन नंबर, जो भी फोन नंबर है आप उसे एंटर करिए। मैं ऐसे रैंडमली कोई नंबर डाल रहा हूं, आप दोबारा प्रेस करिए नेक्स्ट।
और कुछ इस तरीके से सेव कर दीजिए। ये बीप आपको बताएगी कि इस टाइम फोन सेव हो गया है बुक के अंदर, और ये देखिए दिखा रहा है फोन बुक वन आइटम इन द एंट्री। तो कुछ इस तरीके से आप फोन बुक के अंदर इसको सेव कर सकते हैं। दोस्तों आई होप ये मेरा ऑनेस्ट एफर्ट आपको पसंद आया होगा। तो मैं आपसे प्लीज रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें मोटिवेट करिए, हमें आपके मोटिवेशन की बहुत ज्यादा जरूरत है। दोस्तों ट्रू टेक रिपोर्टर में हम टेक फॉर लाइफ मतलब जनरल टेक्नोलॉजी इन योर डेली लाइफ उस तरह के वीडियोस लेके आते रहते हैं। दोस्तों आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इसी तरह के टेक फॉर लाइफ प्रोडक्ट और उनके टेक्नोलॉजी रिलेटेड एस्पेक्ट्स की वीडियो हम आपके लिए ट्रू टेक रिपोर्टर पे लाते रहेंगे। ट्रू टेक रिपोर्टर में मैं राज आपका अपना रिपोर्टर आपके लिए एक नया एपिसोड और एक नया अध्याय लेके जल्दी ही जुड़ूंगा। तब तक टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, गुड बाय।